मेरी बेटी है तो वो जब स्कूल में पढ़ती है तो हमारे मतलब घर में ऐसा है कि इतनी ज्यादा उससे इंग्लिश में बात नहीं होती इवन कि मैं भी उससे इंग्लिश में बात नहीं करती हूँ नॉर्मली घर में यही उर्दू में बात हो रही होती है इनके फादर भी इसी तरह ओवरऑल uh, सब घर वाले बट इन माशाल्लाह पढ़ाई में वो बहुत बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा तो uh, अभी जब हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई तो हम उसमें गए तो उसमें मैम ने यही बोला उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उन्होंने जस्ट ये कहा कि जब एक बच्चा इतना अच्छा है और तो उसको चाहिए कि वो इंग्लिश में बात करे तो वो यही है कि ये इंग्लिश इंग्लिश में बात नहीं कर सकती तो मुझे ये uh, पूछना था कि इसके लिए क्या करना होगा सेकेंडली मुझे ये uh, पूछना था कि जो है वो मुझे आपका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए था कि अगर थोड़े से से हैं तो उसके से बात कर रही थी आपने जो ये बात पूछी है ना इसमें मैं आपको अपनी स्टोरी सुना सकती हूँ मेरे जितने बच्चे हैं वो जब भी प्री स्कूल में पढ़ते थे हमेशा पीटीएम में मुझे यही सुनने को मिलता था आपका बच्चा बहुत अच्छा है बड़ा डिसिप्लेंड है लेकिन इंग्लिश नहीं बोलता और उनको अजीब सी बात लगती थी कि जी डॉक्टर हैं वालद और बच्चे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी तो मैं हमेशा उनको मुस्कुरा के देख कर कहा करती थी कि किसके साथ इंग्लिश बोले नाना नानी के साथ दादा दादी के साथ घर में मुलाजिम हैं उनके साथ और सोसाइटी के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके साथ यानी हमारा कल्चर जो है वो उर्दू बोलने वाला है मैं या तो फिर उन सबको इंग्लिश की क्लासेस में एडमिशन दिलवाऊं कि जी मेरे बच्चे ने प्री स्कूल में पढ़ना है और प्री स्कूल की टीचर की रिक्वायरमेंट है कि बच्चा इंग्लिश बोले तो जी आप सब जी इंग्लिश सीखें तो मैंने उनको साफ़ कह दिया कि दैट्स ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मेरे बच्चों को बिल्कुल पूछ ना करें अगर उसकी बाकी ग्रोथ ठीक हो रही है तो आई एम ओके विद द होल कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल कम्फर्टेबल हूँ उस पर टीचर का हमेशा से अगला सवाल या कंसर्न या वो जैसे कह सकते हैं प्रेशर ये होता था कि देखें फिर आगे जाकर इसको प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर हमेशा अपनी स्टोरी सुनाती हूँ मैं उनको कहती हूँ देखें मैंने अपना प्री स्कूल ऐसे जगह पे किया था बिकॉज मेरे पेरेंट्स एक छोटे से विलेज में उस वक्त काम कर रहे थे मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं तो मैंने उनको कहा कि वहाँ का बेस्ट स्कूल था लेकिन दैट वॉज टोटली उर्दू मीडियम स्कूल वहाँ पर हम तख्ती भी लिखते थे और वहाँ पर इवन जो टेबल्स मैंने इनिशियल याद किए थे टू से लेकर फाइव तक के वो उर्दू में थे और मेरा अभी भी दिमाग ऐसे चलता है अगर आप मुझे पूछेंगे कि टू इंटू एट यानी बच्चों को भी मैं अगर पढ़ा रही हूँ टू इंटू एट क्या है तो मेरा दिमाग में ना ये नहीं आएगा टू एट सार मेरे दिमाग में आएगा दो दो आठे कितना है क्योंकि वो स्कूल में मैंने इसी तरह से सीखा था और मैं पूरी उर्दू या उसी लैंग्वेज में मैं कैलकुलेशन अपने दिमाग में करूँगी और वो करने के बाद मैं फ़ॉरन वहाँ पर बताऊँगी तो मैं उनको कहती हूँ उसके बाद मैं फिर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई कॉन्वेंट स्कूल में बड़े शहर में गई और आपको पता है कि जब मैं पहली क्लास में गई तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जी आपकी बच्ची बड़ी अच्छी है पढ़ाई में सब कुछ है बट जी वो तो इंग्लिश नहीं प्रॉपर बोल सकती तो हम इसको एक क्लास पीछे लेंगे मेरे पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं उन्होंने मुझे कोचिंग कराई समर में और फिर उसके बाद मैं अगली क्लास में प्रमोट हो गई तो मैंने उनसे कहा कि अब मैं इंग्लिश में लेक्चर्स भी डिलीवर करती हूँ इंग्लिश में पढ़ भी लेती हूँ इंग्लिश में बोल भी लेती हूँ चाहे वाजबी सी है बट आई कैन मैनेज दैट तो क्या उसमें प्रॉब्लम है तो मैं उनको ये कहा कि दैट्स ओके मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि uh, मेरे बच्चे को आप इस तरह का बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रेशर ना दें आई एम टोटली फाइन विद डैट क्योंकि आपको बार बार ये सिखाया जाता है कि आपके बच्चे का लॉस हो जाएगा मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ मेरा uh, बेटा ओ uh, लेवल में था तो uh, इसी तरह पी में मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक है और साथ ही उन्होंने कहा कि जी आपका बच्चा जो है इसमें बस एक चैलेंज है मैंने कहा चैलेंज है उन्होंने कहा कि जी हम वो क्रिएटिव वो जो सारे एलिमेंट्स इंग्लिश में करते हैं वो डिस्कस कर रहे थे एंड आई वाज टेलिंग देम अब कुछ किसी टॉपिक पे ये आया कि वर्ल्ड सिनेरियो में कौन या तो टेररिस्ट है या किसने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की है तो वो उनको अंग्रेजों के हिसाब से पढ़ा रही थी तो माई सन रेज हिज वॉइस और मतलब उन्होंने हाथ खड़ा करके मेरे बच्चे ने कहा कि ऐसा नहीं है मुसलमानों ने ये ये काम अच्छे किया और उसने पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस दे दिया अब मैंने तो उसे नहीं सिखाया था हाँ उसने जो कुछ पढ़ा सीखा मेरे बच्चे ने जो कुछ सीखा था उसने वहाँ पे टीचर के सामने बोला तो मैंने आगे से उन टीचर से कहा कि वट्स रॉन्ग विद डैट उन्होंने कहा देखें ये कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम देगा और अगर इस किस्म की बात वो लिखेगा उसमें तो वो उसको मार्क्स नहीं देंगे तो फिर ये सफ़र करेगा अब मैं थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हुई मैं सारा रास्ता सोचती रही कि शुड आई स्टॉप माई चाइल्ड फ्राम लाइक भाई ये वो दीन की बात ही ना करे मैं कैसे स्टॉप कर दूँ मैं तो अपने बच्चे को इसी सोच के साथ रेज कर रही हूँ कि ये दावत का काम बहुत अच्छी तरह से कर सके हाँ हिकमत अपनी जगह तो मैंने वापस आकर अपने बेटे को सारी बात बताई कि तुम्हारी टीचर ने ये कहा तो उसने मुझे सुन के पूछा कि इस वट्स यूर टेक ऑन इट तो मैंने सोच कहा बेटा मैं समझती हूँ बस आप अल्लाह से दुआ करो और जो आप सही समझते हो शर सदर के साथ लिखो डजेंट मैटर आप देखिए उसने सब कुछ वो किया वो पास भी हो गया उसके नंबर भी आ गए और काफ़ी सालों के बाद यानी कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएट कर गया क्योंकि वो मुझे बार बार कहती थी ये फेल हो जाएगा ये कामयाब नहीं होगा आप इसको बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच दे रही हैं वो यूनिवर्सिटी से निकल कर उसे बड़ी अच्छी जॉब मिली तो उसकी शादी भी होगी एंड आई मेट द टीचर समवेयर तो मैं खुद गई उनके पास मिलने और मैंने उनको सलाम किया मैंने उनका हाल पूछा मैंने कहा आपको याद है मेरा बेटा और उनका हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है तो मैंने उनको कहा कि याद है आपने मुझे ये बात कही थी आई डेंट स्टॉप माई सन और अलहदुल्ला उसने यूनिवर्सिटी में भी ये ये ग्रेड्स लिए हैं विद द सेम आइडियोलॉजी एंड सेम थाट अल्लाह ने करना था ये काम मैंने थोड़ी करना था और मैं क्या देखिए उसकी शादी भी होगी और अलहमद उसकी जॉब भी होगी तो बाद में बल्कि सब मुझे घर वाले कहते हैं आपको क्या ज़रूरत थी मैंने कहा नहीं हमें बताना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के गलत प्रेशर्स क्रिएट करते हैं कि ये नहीं हो सकता यानी हम पेरेंट्स को एक शरा सदर होना चाहिए कि ये ये बातें ऐसी नहीं है इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की पर्सनालिटी को क्रश करना शुरू कर दें और मैं वाकई ये देखती हूँ बहुत से वालदेन और छोटे छोटे बच्चों को बार बार कह रहे हैं कि बेटा इंग्लिश बोलो बेटा ऐसे बात करो मेरे ग्रैंड किट्स हैं हम उनके साथ उर्दू में बात करते हैं स्कूल जाकर अगर वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं बोल लें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नो नो वरी वो वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाएंगे तो इस चीज़ का प्रेशर जो है ना आप लोगों को नहीं लेना चाहिए आपको अपनी विजन को बहुत क्लियर रखना चाहिए डॉक्टर साहब को मुझे ये पूछना है हम किसी मदर को जो कि सिंगल पेरेंट होने की वजह से और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की वजह से बहुत सारे मसायल का भी शिकार है प्रेशर भी है बहुत कुछ है लेकिन पॉजिटिव पेरेंटिंग की उनको नो हाव नहीं है जैसे मैं आपके लेक्चर सुनती हूँ तो बहुत सारी चीज़ों के मसलों के हल मिलते हैं तो उनको पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर वो सीखने की तरफ ना आ सके दुआ के अलावा दुआ मैं बहुत कर रही इंशाला लेकिन मैं सच क्या करूँ प्रैक्टिकली कि वो इस तरफ आ जाए एक्चुअली जो इंसान सीखना नहीं ना चाहता हम उसको ह्यूमन लेवल पे नहीं सिखा सकते उसके लिए दुआ ही है और ये जो आपने कहा ना दुआ मैं कर रही हूँ लेकिन और क्या करूँ दैट मीन्स कि आप दुआ की पावर को अंडरमाइन कर रही हैं आपको पता नहीं है कि दुआ की कितनी बड़ी पावर है आप अपनी दुआ की डोज़ को बढ़ाती जाएं और आप इतनी इंटेंसिफाइड डोज़ करें फिर आप देखें हाँ उनको ह्यूमन लेवल पे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर देती रहें कुछ उनको लेक्चर्स uh, फॉरवर्ड करती रहें कुछ उनको छोटी छोटी टिप्स बताती रहें थोड़ी हल्की फुल्की बात करती रहें और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें बिकॉज़ अल्लाह ताला ही हैं जो कि इंसान के दिल को खोलते हैं ना हम जो एक इंसान अपना दिल बंद कर चुका होता है हम नहीं उसे खोल सकते बस हम दुआ पे रहें और दुआ की पावर पे फिर यकीन रखें जी मुझे ये पूछना था कि मेरे एक नाइनटीन ईयर्स का मेरा बड़ा बेटा है और एक मेरी सत्रह साल की बेटी है और एक मेरे 15 साल की बेटी है मुझे ये है कि जो बच्चा बड़ा होता है उससे आपकी डीलिंग डिफरेंट होती है जो सबसे छोटा है उसकी एज वाइज उससे डीलिंग डिफरेंट होती है और बीच में डीलिंग का डिफरेंट में मेल और फीमेल का भी डिफरेंस आ जाता है तो अगर आप बड़े बच्चे से जिस तरह डील करते हैं तो छोटे को होता है कि वो भाई आप उससे इस तरह डील करती हैं और अगर छोटे से करते हैं तो वो कहते हैं कि ममा है। आप फेवरिज्म करती हैं आप छोटे के साथ उसको कुछ तो चीजों पे आप उसको ग्रे एरिया देती हैं तो मुझे ये थोड़ा सा

और सुन्नत के मुताबिक क्या स्टैंडर्ड है और फिर दुनिया में रहते हुए जो भी पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं वो क्या स्टैंडर्ड देते हैं क्योंकि वो मिलते जुलते होते हैं सारे दूसरी बात यह कि बच्चों को आपने ये बताना होता है कि इस स्टैंडर्ड को समझते हुए हर एक के लिए पर्सनलाइज्ड प्लान होगा टेलर मेड प्लान होगा बच्चे इस बात को इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं मसलन ये कि आप उन्हें बताएं कि अगर तीन बच्चे हैं और एक उनमें से बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ता है तो आप ये थोड़ी करेंगे उसको वहीं पे छोड़ दें आप उसको कहेंगे अच्छा बेटा तुम्हारी नमाज़ें इतनी अच्छी हैं तो चलो तुम सुनते भी पढ़ लो और कभी कभी वीकेंड पे तहज्जुद भी पढ़ने की कोशिश करो बिकॉज़ यू कैन एक्सेल और ज़्यादा स्काई इज़ अ लिमिट इसी तरह से अगर एक बच्चा नमाज पढ़ता तो है लेकिन उसको बार बार कहना पड़ता है तो आप उसको रिमाइंडर दे देते हैं अगर वो कहता है कि मुझे रिमाइंडर देते हैं उसको नहीं देते आपके उसको देना नहीं पड़ता इसी तरह से एक बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता तो आप उससे ज़रा और तरह से बातचीत करते हैं कि अच्छा भाई आपको क्या करना होगा तो आप बताएं कि पर्सनलाइज प्लान होता है ना जैसे एक क्लिनिक पे चार मरीज जाएंगे और उन सबको बुखार है तो डॉक्टर चारों को एक ही दवाई तो नहीं देगा ना उनके टेस्ट कराएगा लैब्स करेगा किसी को सिर्फ कह देगा कि आपने बस फ्लूड्स इनटेक बढ़ानी है और दो चार दिन में वायरल बुखार उतर जाएगा किसी के टेस्ट ज़्यादा होंगे किसी को कोई और स्ट्रॉन्ग किस्म की कोई मेडिकेशन देनी पड़ेगी तो ये फ़र्क चीज़ें होती हैं और इस पूरे प्रोसेस में जो एक चीज़ होती है करने वाली वो ये कि आपने डिफेंसिव नहीं होना यानी आपने ना कटहरे में खड़े होकर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि वो मैं क्या करूँ मुझे इसको ये कराना पड़ता है आप बिल्कुल इन द ग्रिप रहें और बड़ी फोकस रहें और बहुत अगर कोई बच्चा कहता है आपने उसको नहीं कहा तो आप मुस्कुरा के कहें वो कहा तो उसको भी है आ, लेकिन आपको पता नहीं चला या ये कि उसने पहले ही कर लिया इसको मुझे कहना नहीं पड़ा तो इस तरह के स्मार्ट आंसर्स आप देना सीखें और आप चलो मैं उसको भी कह देती हूँ तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जब बात करेंगी और उस पर फ्रस्ट्रेट नहीं होगी ना तो फिर आपका पता है बच्चों के अंदर भी फिर सेटलमेंट आती है हम क्योंकि फ्रस्ट्रेट होते हैं ना तो वो हम हमारे पर फोकस आ जाता है फिर वो हमारी एक्सप्लेनेशंस चलना शुरू हो जाती हैं और जो करने वाला काम है वो वहीं बीच में रह जाता है यहाँ सवाल है कि फिज़िकल पनिशमेंट की लिमिटेशन क्या है जैसे कि हदीस में मेंशन में है कि दस साल से ज़्यादा जब बच्चे हो जाएं तो उन्हें मार के भी पढ़ाया जाए नमाज के लिए इस इसमें हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि फ़िज़िकल पनिशमेंट जो हदीस के रेफरेंस से लोग बात करते हैं एक तो उसमें इंटेंसिटी समझे कि नमाज की बात हो रही है नमाज का सवाल होना है आखिरत में तो ये एक फ़र्ज इबादत है और इसमें सात साल से नमाज शुरू करनी है और दस साल पे जाकर ये बात की गई है और हमने ये देखा है कि अगर सात साल से आप बच्चों को सही तरीके से जो इन्वायरमेंट देना चाहिए उस तरह आप डिसप्लिन करना शुरू करते हैं तो दस साल पे बच्चा जो होता है वो उसकी हैबिट ठीक हो जाती है और वो अपने आप को फोकस में रखता है और फिर मैंने ये भी कहा था कि फिर प्रैक्टिकली भी हमने देखना है कि रसूल वसम ने कितने बड़ों को और कितने बच्चों को मारा क्या उनकी सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं थे जो कि जैसे मुनाफिक थे वो क्या किस तरह से नमाजों का करते थे बच्चों के भी कुछ चैलेंजेस आते होंगे लेकिन वो सिर्फ हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए ये बताया गया है कि आप ये काम करें हमारा हाल ये है कि हम तो छोटी छोटी बातों पे बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मार रहे हैं बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो मार रहे हैं बच्चा अपनी उम्र के मुताबिक कोई शरारत कर रहा है मासूम सी शरारत है तो हम मार रहे हैं बच्चा वो छलांगे लगा रहा है खुशी का इजहार कर रहा है किसी काम पे तो हम उसको मार रहे हैं हम बच्चे को कह रहे हैं ब्रश कर लो रात को लेट जाओ बेड में क्योंकि मैं भी थक गई हूँ बच्चा वो नहीं कर रहा तो हम उस पर मार रहे हैं यानी आप अगर लिस्ट बनाएंगे मारने पीटने की तो वो ऐसी लिस्ट होगी कि इंसान खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि ये बातें हैं जिन पर हम मारते हैं तो हमारा दिन जो है हमें इस मामले में डिस्करेज करता है कि हम अपने बच्चों को मारे पीटे हम क्यों नहीं पहले प्लान बनाते कि हम कोई ऐसा काम करें कि हमें बच्चों को मारना ना पड़े हम तैयार बैठे होते हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो फिर मैंने तुम्हें मारना है क्यों ना हम ये करें कि हम बच्चे को मारें ना आपको पता है कि मैंने अपने बच्चों को बचपन में कभी अलहदुल्ला नहीं मारा लेकिन फिर भी मेरे बच्चे मुझे ऐसी खौफनाक कहानियाँ याद दिलाते हैं जो मुझे याद नहीं आती वो कहते हैं माँ जब आप ज़ोर से बोलती थी तो हम डर जाते थे और मैं सोचती हूँ अच्छा मैं तो अपनी तरफ से बहुत पोलाइटली बात करती थी क्योंकि मैं तो पेरेंटिंग सिखा रही थी और मैं ख़ुद भी इस मामले में बहुत केयरफुल होती थी लेकिन आई रियलाइज़ विद टाइम मे भी मेरे भी कुछ रवैये ऐसे थे डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं मार नहीं रही थी तो फिज़िकल चोट बहुत बड़ी चोट होती है और इसी तरह से आप देखें कि जो इमोशनल चोट है वो उससे भी बड़ी चोट हो जाती है जो हम बच्चों को देते हैं तो हम क्यों बच्चों के मामले में इस हदीस को बेस बनाकर मारने का जवाब ढूंढते रहते हैं हम क्यों नहीं वो वाली हदीस याद रखते में जिसमें आता है ना कि जो बच्चों से शफकत और मोहब्बत का रवैया नहीं करता और बड़ों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है तो शफ़क़त शफ़क़त हम हम भूल जाते हैं सीखने की कोशिश नहीं करते तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दें कि फिजिकल पनिशमेंट से अपने इज टोटली ऑपोजिट टू सक्सेस क्राइटेरिया हाउ कैन वी इंकरेज एंड मोटिवेट आवर चाइल्ड टू बी आखिर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बिसाइड्स बीइंग trying our best to be a role model and making a lot of du'as. how can we make our deen so attractive and you know optimistic to approach for them? as we all know that our religious institutes uh, uh, or even the scholars, sorry to say that, have a very negative impression in our society as a whole. so how to encourage our child towards this deen? it's an important question. okay, vaki, dunia jo hai a very competitive sense ke very kafi घर से आप अगर कोई बच्चों को कंपटीशन का नहीं भी कहते रिलैक्स रखते हैं लेकिन सोसाइटी बहर आर उनको ये कंपटीशन की सेंस देती है और वो परेशान रहते हैं बच्चे इस वजह से और हमारा जो फिर क्राइटेरियन सक्सेस का जो आखरत के हिसाब से दीनी हिसाब से वो बिल्कुल डिफरेंट है और हम जो कह रहे हैं कि उनको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दें और ऐसी अप्रोच दें कि बच्चे बड़े हेल्दी तरीके से सीखें मोटिवेट हों दैट इज़ ओनली थ्रू कुरान आप अगर बच्चों को वीकली बेसिस पे कहीं कुरान के साथ अटैच करते हैं कोई क्लास आपके इर्द गिर्द है वहाँ पर उनको लेके चलें या ये कि अगर आप वीकली बेसिस पे नहीं लेकर जा सकते तो आप खुद से वीकली बेसिस पे बैठ जाएं बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ और कुरान को पढ़ें आयतों को पढ़ें और उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली देखें ये ब्रिक बाय ब्रिक होगा ना ग्रेजुअली बच्चों के अंदर वो क्राइटेरियन आना शुरू हो जाएंगे यानी मैं अपने घर में भी, भी जो बच्चों को देखती हूँ फिर मेरी जो फ्रेंड्स हैं हम बचपन से सब बच्चों को ये क्लासेस करवा रहे हैं हर वक्त हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग क्लासेस चल रही हैं बच्चे उसमें सीख रहे हैं कई जगहों पे हमें एज पेरेंट्स चैलेंजेस भी अपने बच्चों के साथ आ रहे होते हैं लेकिन हमने देखा है कि अल्टीमेटली ना जब बच्चे वो ही बात है कि उन्नीस बीस साल से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं तो अब वो उनके अंदर क्लैरिटी आ जाती है और वो जो एक हमने बीज लगाया होता है ना अब वो प्रॉपर एक पौधे की शक्ल में बाहर निकलता है और उनको समझ आती है कि हम जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे तो ये जो एज है ना बच्चों की छोटी और टीन एज इसमें बस आपने ना आप समझें कि आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और अभी हो सकता है बहुत सी जगहों पे आपको रिजल्ट्स ना नजर आए लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे इनशा सवाल है कि बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग कैसे कम करवाएं और बच्चे भी बड़े हैं अगर छोटा बच्चा हो तो उसको तो आप लेके रख सकते हो तो लेकिन आपका अगर बच्चा फोर्टीन ईयर्स का है एटीन ईयर्स की बच्ची है और मेरी एक बेटी है ट्वेल्व की तो मतलब कैसे बच्चों को रोके इस चीज से क्या कर सकते हैं आजकल आपको पता ही है सबसे पहले तो रोल मॉडलिंग सही करें कि आप अपने स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करें दूसरा ये के बच्चों के सामने ज्यादा चुड़ चुड़ करना छोड़ दें कि जब देखो स्क्रीन पे बैठे हैं जब देखो स्क्रीन पे बैठे हैं बच्चों से रिलेशनशिप स्ट्रांग करें अपना फिर इसके बाद ये जब बच्चे स्क्रीन से ऑफ हों तो उनके साथ मजे मजे के काम करें ताकि बच्चों को ना आपके साथ टाइम स्पेंड करने में मज़ा आए जब बच्चों को मज़ा आएगा तो फिर उनका दिल चाहेगा कि वो बहुत से काम आपके साथ करें दुआ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा करें और साथ उनको ये सिखाएं कि जब हम अपना जो उस दिन की प्रायोरिटीज़ होती हैं जो ज़रूरी काम है उनको कंप्लीट कर लेते हैं और अगर हम थोड़ा सा टाइम किसी एंटरटेनमेंट पे लगाते हैं वो एंटरटेनमेंट भी हेल्दी होती है और हेल्दी उसमें डोमेन में ही रहती है तो फिर उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है मेरे पास कई जो यंगस्टर्स आते हैं और जब उनके वालदेन ये कंप्लेन करते हैं कि ये तो बिल्कुल एडिक्ट हो गए और बच्चे जब आगे से जवाब में कहते हैं कि नो आई एम नॉट एन एडिक्ट आई कैन ऑलवेज़ पुट अवे माई फ़ोन तो मैं उनको बहुत मुस्कुरा के कहती हूँ बेटा अगर हमने ये चेक करना होगा ना कि आप एडिक्ट हैं कि नहीं हैं तो उसके लिए फिर मुझे आपको जो स्क्रीन एडिक्ट के स्पेशलिस्ट हैं या उनके जो क्वेश्चनर्स हैं वो रन करने होंगे मैं या आपके वालद या आप ये नहीं डिसाइड कर सकते यानी जो एक्सपर्ट होगा उस फील्ड का वो बताएगा ना हमें कि आया ये एडिक्शन के लेवल पे पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी तो जब आप बच्चों से एक सॉलिड बात करते हैं ना तो फिर वो बच्चे सुनने के लिए भी तैयार होते हैं uh, मेरा सवाल था जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि यू नो इट टेक्स अ अ होल विलेज टू रेज चाइल्ड मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी दस साल की बेटी है और अलहमद आई एम प्राउड टू से कि मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और उसको बहुत सी दीन की बातें भी बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि मैंने शुरू से उसके साथ बहुत अच्छे से इस्लाम की तरफ स्टोरी एसट्रा किया है सो सवाल मेरा यह है कि कैसे अपने माँ बाप को यानी कि बच्चे के दादा दादू या स्पेशली नानों को ये समझाया जाए बहुत प्यार से इज़्ज़त से कि देखिए मैं पेरेंट हूँ मुझे फ़र्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और हक होना चाहिए कि मैं अपनी बच्ची को किसी चीज़ से मना करूँ या उसको इनकरेज करूँ या कुछ भी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जैसे आपने भी बोला माँ बाप का फर्स्ट हैंड होना चाहिए राइट होना चाहिए लेकिन हमारे देसी माँ बाप ये चीज़ को अब नहीं समझते वो पुराने चीजों को आगे रखते हुए कहते हैं कि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है मैं तुम्हारी भी माँ हूँ एंड uh, मुझे uh, ज्यादा पता है और मैं उसको दीन का ही बातें सिखाती हूँ मैं उसको ये नहीं करती सो so बेसिकली कि, किस तरह उनको ये समझाया जाए कि आप जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इंक्रेज um, करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए होती है एक्स्ट्रा करिकुलम चाहिए होता है फिजिकल एक्ट्रेक्शन चाहिए होती है उनको करना सिखाना सब कुछ यानी यस ऑफ कोर्स माँ बाप के अलावा दादा दादू नाना नानों की भी बहुत सी, मतलब बुजुर्गों की बहुत जरूरत होती है एंड आई अप्रिशिएट एंड दैट्स मैं उनको अलाउ करती हूँ बट प्रॉब्लम अब ये अब ये ज्यादा नानों की तरफ रहने लगी हैं और अपने घर में बहुत कम आती हैं ठीक है नानुओं का घर बहुत दूर नहीं है लेकिन फिर भी जब उसको कुछ कहा जाता है या मैं उसको कुछ कहती हूँ तो वो नानों की तरफ भाग जाती है और कहती है, मैंने अब वापस नहीं आना तो नानू भी कहती है चलो ठीक है मैं इसको समझाऊंगी करूंगी और फिर वो रखती है उसको और फिर वो वहीं की वही रह जाती है तो स्कूल भी नज़दीक है तो वहीं से स्कूल भी चली जाती है तो मुझे ऐसे लगता है एज अ पेरेंट आई फेल इट और मैं अपने पेरेंट को कैसे समझाऊं कि मैं पेरेंट हूं अब मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फर्माबरदार हूं अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आगे वाली औलाद को भी आपके हवाले कर दूं और मेरी कोई किसी किस्म की इंटरेक्शन ही ना रह जाए अच्छा देखिए ये जो चैलेंज है ना इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा प्रोएक्टिविटी ये है कि आपको वक्त से पहले अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स या मेरे इन लॉज जो हैं उनके क्या क्या ट्रेड्स हैं क्या पॉजिटिव बातें हैं कहाँ पर मुझे चैलेंज आ सकता है अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि उसका स्कूल भी करीब है हो सकता है आपने वहाँ पे उसको पहले नानी के घर जाने की इजाज़त दे दी हो कि आप वहाँ पे सो भी सकते हैं रह भी सकते हैं विदाउट पेरेंट भी रह सकते हैं वो संभाल भी लेंगी वो आपको स्कूल भी भेज देंगी तब तक आपको चैलेंज नहीं था बच्चा छोड़ा छोटा था लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो ज़ाहिर वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है और ग्रैंड पेरेंट्स भी अपनी मर्जी से उसको पैम्पर करते हुए आगे ले जाना चाह रहे हैं अब ये आपके लिए चैलेंज बन रहा है पहला काम तो ये है दूसरी बात यह कि जब आपके जो बुजुर्ग होते हैं जब भी वो कोई बात कहते हैं कि जी ये काम ऐसे करना चाहिए तो पहले तो आपको उनको वैलिडेट करना होता है उनको ये नहीं कहना होता कि नहीं अब ये तरीका नहीं है या ये मैं ऐसे करूँगी या मुझे इस तरह करना है उससे फिर उनको ना इनसिक्योर फीलिंग आती है कि अच्छा मे बी वी वर नॉट गुड पेरेंट्स वो इस तरह सोचते हैं आपको बहुत सी ऐसी जगहों पे जो कि उनके बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं और जिससे उन्होंने आपकी भी तरबियत बहुत अच्छी की होती है उसको बार बार हाईलाइट करना होता है कि आपने मुझे ये सिखाया आपने मेरे मुझे ये बताया आई एम सो हैप्पी आपको पता है मैं इस वक्त अपने बच्चों को जो ये ये काम करवा पा रही हूँ इस वजह से कि आपने मुझे ये ये सिखाया था ये वैलिडेशन अपने वालदेन को देनी बहुत ज़रूरी होती है इवन जो आपके मस सास हैं तो आप जब भी वो कोई बात बताएं और कोई उसमें हिकमत की बात हो तो आप उनको बहुत अप्रिशिएट करें कि ये वाली बात आपने कितनी कमाल की की है क्योंकि वहाँ पे हम फॉर ग्रांटेड लेकर वैसे ही रह लेते हैं और जहाँ पे वो कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे वैल्यू सिस्टम या हमारे तरबिया पॉइंट से क्लैश करती है तो हम थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल तरीके से उनसे बात कर लेते हैं वैलिडेट करने के बाद आपने जो है ये देखना है कि कौन कौन से काम आपके लिए पॉसिबल हैं, कौन से काम आपके लिए पॉसिबल नहीं है जो पॉसिबल है वो आप कर लें जो पॉसिबल नहीं है आप उनको बहुत आसानी से कहें कि अच्छा देखिए मैं ना करना चाह रही हूँ जो आप बता रही हैं बहुत ज़रूरी है लेकिन मैं इसको इस, इस तरीके से करूँगी कहीं कहीं पर कुछ उनको एक्सपर्ट्स की टॉक्स भी आप शेयर कर सकती हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह है रही हैं लेकिन आपको पता है ज़माना ऐसा हो गया ये चीज़ ऐसे हो गई है इस वजह से मुझे इन इन एरियाज़ पर अब इस तरह काम करना पड़ रहा है आप आपको देख सकती हैं कि हालात वैसे नहीं रहे जैसे आपके ज़माने में थे इसी तरह बच्चे को भी आपको थोड़ा सा गाइड ये करना होता है उन बुज़ुर्गों की इज्जत करवाते हुए कि हाँ आई डू अंडरस्टैंड कि आपके ग्रैंड पेरेंट आपको ये लिबर्टी देना चाह रहे हैं ये ये काम आपको वो देना चाह रहे हैं लेकिन क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है तो मुझे इस काम को इस इस तरीके से करना है तो आपको मल्टीपल लेवल पे इस चीज़ से डील करना होगा विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर ऑल द एल्डर्स और जब आप थोड़ा सा फर्म फुटिंग पे रहेंगी और हर चीज़ को इशू नहीं बनाएंगी कुछ चीज़ों पर आप लेट गो भी करेंगी मैं खुद देखती हूँ कि जैसे मैंने अपने बच्चों को इवन जैसे फिजी ड्रिंक्स छुड़वाई कि हम घर में फिजी ड्रिंक्स नहीं लाएंगे तो मेरी अपनी अम्मी को इतना तरस आता था मेरे बच्चों पे कि तुम इनको कुछ भी नहीं देती और जब मेरे बच्चे अम्मी की तरफ जाते थे तो वो दो दो लीटर की ढाई ढाई लीटर की बोतल बॉटल्स ला के रखती थी और बच्चे मेरे गट गट पी जाते थे और मैं खामोश रहती थी मैं सोचती थी, थी कि अच्छा अभी नहीं मुझे बोलना इस बात पे मुझे अपने बच्चों को ही अल्टीमेटली स्ट्रॉग करना है अब मेरे बच्चों ने फिजी ड्रिंक्स छोड़ दी हुई अपने ओन पे लेकिन वो बड़ा याद करते हैं कि हमें कितना मज़ा आता था कि अम्मा रोकती थी और हम जाकर नानों के घर ये ले लेते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना थोड़ी सी लिबर्टी लेते हैं वो ना हमें समझना चाहिए कि वो ना दे आर जस्ट ओवर विद लव मेरे अपने बच्चे अब मुझे कई दफ़ा कहते हैं कि अम्मा आप हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर देती हैं और आप तो पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं तो मैं उनको हंस के कहती हूँ कि वो जो पेरेंटिंग एडवाइस है वो आप लोगों के लिए है बिकॉज यू आर द पेरेंट्स एंड दैट इज़ योर रिस्पॉसिबल रोल सो आई एम द ग्रैंड पेरेंट तो मैं कहीं कही ना कहीं थोड़ी सी लिबर्टी दे दूंगी थोड़ी सी स्पेस दे दूंगी तो जितना आप रिलेशनशिप अपना स्ट्रांग रख के उनको वैलिडेट करते जाते हैं ना तो वो भी फिर सही स्टेप्स पे सही तरीक़ों से आपके बच्चों को रेज करते हैं हाँ जहाँ पर आपको बहुत कोई ऑब्जेक्शनेबल बात लगती है जैसे Uh, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बहुत ओवर जंक बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं तो आप अच्छे अंदाज़ में उनको बताएं कि इसके दांत ख़राब हो रहे हैं डॉक्टर ने ये बात बताई है ये मसला आ रहा है जंक बहुत ज़्यादा देते हैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं उस पर भी आप उनको एहसास दिलाएं थोड़ा सा कि ये बच्चों के लिए बेहतर नहीं है इससे बच्चों को एडिक्शन की आदत पड़ जाती है तो मतलब वो आपको ना फिर बस वे एंड बैलेंस करके ग्रेजुअली उनको ले चलना होगा मैंने आपसे ये शेयर करना था बल्कि मैं आपसे थोड़ी सी गाइड भी लेना चाहूँगी इस मामले में मैं डिसेबल हूँ मैं मतलब के चल नहीं सकती सो आ, मैं जब मतलब के ये सारी चीज़ें आप अपने बेटे के हवाले से बता रहे थे ना मेरी मॉम ने भी ये काफ़ी कुछ फेस किया सो कि मैं पढ़ नहीं सकती मैं आगे नहीं जा सकती बट नाउ आई एम मैं, एम एस सी मैंने की है सो so, मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा है कि समटाइम मेरी मोम भी मुझे जब बैठ के मुझे अक्सर बैठ के ये चीज़ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए गलत किया मैंने तुम्हें कभी मारा कभी प्रेशराइज़ किया कभी कुछ किया तो वो सॉरी करना चल लग जाती है सो so, उनकी इस सिचुएशन को देख कर ना मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि मैं अब इनको रिप्लाई ना दूँ और मैं हमेशा मतलब कि स्माइल के साथ ना वहाँ से उठ के चले जाती हूँ बट उनमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पॉइंट पर हो गई है तो आप मुझे इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करोगे कि मुझे मतलब कि किस तरीके से ये

अब तो क्योंकि वो पास्ट है वो वक्त गुजर गया ना तो दैट्स तो ओके तो अब मेरा ख्याल है कि हमें आगे मूव कर जाना चाहिए देखें आपने जो बाकी मेहनत मुझ पर इतनी की है उसकी वजह से मैं कहाँ पर खड़ी हुई हूँ कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरी तरह किसी स्पेशल नीड के साथ होते हैं वो आगे ग्रो नहीं कर सकते लेकिन आपने मेरे साथ कितनी मेहनत की है तो मैं ये चाहूँगी कि आप ना अपने दिल को भी साफ कर लें आप परेशान होना छोड़ दें और आप ना आगे मूव करें क्योंकि मैं भी आगे बढ़ गई हूँ तो इस तरह से ओपनली जब बात आप करेंगी और कभी आप वो बात करें तो आप उन्हें गले लगा लें कभी आप उनका प्यार से हाथ पकड़ लें उसको चूम लें Uh, कभी आप उनको वैसे चलते फिरते दुआ दें uh, इसी तरह वेट ना करें कि वो ये बात बार बार सोचें आप उनकी हर वक्त तारीफ़ करते रहें यानी वालदे की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात बोल देते हैं कि ये मैंने आपसे सीखा इससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ मैंने खुद अभी दो दिन पहले अपनी मदर को कहा कि अम्मी मैंने आपको इतनी दुआएं दी मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलें कि आप सोच नहीं सकती अम्मी परेशान अम्मी कहतनी अच्छा मैंने क्या किया है तो मैंने कैसी मैंने अपनी फ़लाह क्लाजिट खोली और मुझे ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी और मैं सोच रही थी अच्छा मैं मार्केट जाऊँगी और वहाँ से ख़रीदूँगी और इतना मेरा टाइम लगेगा और आजकल मैं बड़ी बिजी हूँ और मैंने देखा कि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो पता नहीं आपने इतनी अच्छी तरह पैक करके वहाँ पर क्लाज में रखी हुई थी और वो मुझे मिल गई मेरा दिल इतना हुआ कि भाई मेरी अम्मी कितनी अच्छी तरह कितने ऑर्गेनाइज़ तरीके से क्या क्या काम करती हैं तो आप सोचिए बस मेरी अम्मी की खुशी का क्या हाल था और वह आपको पता है माओ का तो दिल ऐसा होता है वो फ़ौर अगला प्लान बनाना शुरू कर देती हैं अच्छा तुम्हें ये चाहिए अच्छा मैं तो ये लेना चाह रही हूँ अच्छा तुम बताओ तुमने क्या करना है तो इस तरह से ना उनकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करनी चाहिए स्पेशली जब वो ओल्ड एज में होते हैं ना तो उनको वो तारीफ़ें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं उनको लगता है कि हमने जो तो इतनी स्ट्रगल की है अपने बच्चों के साथ और सब कुछ एफर्ट किया है तो इट्स पेइंग अस ऑफ ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है खैर इन सारी बातों का एक पॉइंट तो मैंने इनके अप्रिशिएट करना है और मज़ीद इसमें एलिब्रेट करना है कि मैंने भी अपने बच्चों के साथ घर में मुसलसल उर्दू में बात करी है जहाँ तक मेरा बाय ले, बाय लैंग्वेज स्कूल था तो उसमें अरबिक और इंग्लिश दोनों थी तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेंट होती थी कि इंग्लिश के हवाले से बच्चे इंग्लिश में नहीं बोलते और अरबिक में ग्रेड थ्री तक के उनको थोड़ा सा स्ट्रगल रहा तो मैंने उनसे ये कहा कि आप बच्चों को टाइम दें और इस तो काम करें इन जो नॉन अरब्स हैं उन्होंने बहुत काम किया है इस्लाम में तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चार पांच लैंग्वेजेस जानते हैं और मैं रिसेंटली तुर्की भी शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पे भी घर में ज़रबत है मुझे नहीं आती तुर्किश लेकिन जो बच्चों की तरबियत होती है कि आपने क्लास में कैसा स्टूडेंट होना है अपनी चीज़ों की कमिटमेंट करनी है तो ये चीज़ बच्चों को आगे बढ़ा दी है तो so, अलहमदिल्ला आज वो चार पांच लैंग्वेजेस जानते हैं आराम से तो ये चीज़ पेरेंट्स को सिखानी चाहिए और बस मेरा एक सवाल है बाज़ बच्चे वजन ही करते हैं पेरेंट्स के साथ मसला ये है कि आपने तो मेरे लिए इसलिए किया ना क्योंकि आपको ये खाना जो है कोई खा नहीं रहा था इसलिए आपने मुझे दिया या आपको इसलिए आपने ऐसे किया क्योंकि आप जो है मुझसे जो, 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 जो है जान छुड़ाना चाह रही थी या आपने ऐसी पुराना खाना दिया है या ऐसी कोई भी काम किया आपने तो बच्चे वजह नहीं करते हैं तो इस पर मैंने थोड़ा सा सिखाया उसको अपने बेटे को कि आपने पॉजिटिव रहें क्योंकि इससे पेरेंट्स के रिलेशन ख़राब होते हैं मोहब्बत का रिश्ता होता है ट्रस्ट का होता है तो वो ख़राब होता है तो इसमें अगर आप थोड़ी सी गाइड करें कि बाजू का बच्चे वजन नहीं करते कंपेरिटिव नहीं कंपेयर कर भी करते हैं कि दूसरे भाई को आपने दिया या बहन के साथ आप उसको डांट देनी मुझे करती हैं लेकिन वैसे भी पर्सनली कि उसको ऐसा एहसास होता है कि वो मेरे लिए ज़्यादा लविंग नहीं है जबकि सारे बच्चे माँ बाप के लिए लविंग होते हैं अच्छा ये वाला जो कंपैरिजन होता है ना ये बच्चे बहुत करते हैं आ, मेरे बच्चे भी करते रहते हैं आज बहुत सारी मिसालें ऐसी आ रही हैं जो कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है अच्छा बच्चे जैसे ना घर में इस तरह की बात भी बहुत करते हैं आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है और वो फिर ख़ुद से ज्यूम कर लेते हैं कि फ़लॉँ से मोहब्बत है और ये अम्मा का फेवरेट है और ये नहीं है तो मैम को जब ये कहूँ ना कि सब आप मेरे फेवरेट हैं और मुझे आप में से हर एक ही को ना कोई यूनिक क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर वो किसी का पर्टिकुलर नाम लें तो मैं सिंपली ये कह देती हूँ कि आपको शायद इस वजह से लग रहा है ना कि मतलब कि आपको क्यों लगता है कि ये मेरा फेवरेट है आपने कभी उसको डांटा नहीं तो मैं कहती हूँ एक्चुअली उसने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया कि मुझे उसको कहना पड़ा हो ना कोई रिप्रमांड करना पड़ा हो तो इस वजह से आपको लग रहा है इसी तरह एक दफ़ा चंद साल पहले की बात है तो मेरी बेटी ने कहा कि मुझे पता है कि आप ना भाई का नाम लेके कि आप उसको प्रेफर करती हैं और उसका ख्याल रखती हैं मैंने खामोशी से सुन लिया मैंने कुछ भी नहीं किया अब वो जितनी दफ़ा मैं उसका कोई काम करती थी बेटी का तो मैं मुस्कुरा के उसको देखती थी और मैं कहती थी ये मैं तुम्हारे भाई के लिए कर रही हूँ मस इसके कपड़े प्रेस करती थी तो कहती थी मैं आपके भाई के लिए कर रही हूँ फिर अगर खाने की कोई चीज़ इसके लिए बनाती थी इसको ला देती थी फिर मुस्कुरा के कहती थी कि मैं आपके भाई के लिए कर रही हूँ वो मैंने कोई चार पांच दफ़ा जब किया ना तो मुझे मुस्कुरा के देखे कहती है अच्छा अच्छा माँ गॉट एट ना कि आप हम सब के लिए करती हैं तो मैंने कहा हाँ आपको पता है कि आपको समझ आनी चाहिए कि मैं तो सबके लिए कर रही होती हूँ लेकिन समहा हमें दूसरे की बात नजर आ जाती है अपनी अपना जो एरिया है वो नज़र नहीं आता बच्चे जब हमारे बारे में अच्छा गुमान नहीं कर रहे होते हैं तो उसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लर्निंग पे वर्क करना चाहिए डायरेक्ट uh, लर्निंग तो ये गया कि उस वक्त आप उससे सवाल पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ रदर दैन गिविंग एक्सप्लेशन कि नहीं बेटा ये तो मैंने आपके लिए किया है मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है और ये ऐसे ऐसे है क्योंकि आप जितना याद रख लें जितने आप डिफेंसिव होंगे उतना ज्यादा अगला इंसान आप पे चढ़ाई करेगा सो वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पहले पूछना है आपने सवाल डालना है कि आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ और अगर आपको लगता है कि बच्चे के पर्सपेक्टिव से जो वो बात कह रहा है वो ऐसे है तो आप कह सकती हैं कि अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लूँगी दूसरा ये कि जैसे अगर बच्चे ने कहा आप हमेशा भाई या बहन के पसंद का खाना बनाते हैं तो आप पूछें कि आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ कि मुझे ये पसंद है तो आप कहें अच्छा ठीक है आप मुझे बता दें आप किस दिन बनाना चाहते हैं आई मेक इट फॉर यू कई दफ़ा बच्चे आपको आगे से ऐसी बात भी कह देंगे रहने दें नो यूज़ आप तो बस उसी का काम करती हैं तो आपके नहीं मैं आपका भी करना चाहती हूँ आप बिल्कुल कोई डिफेंसिव ना हो मैं आपका भी करना चाहती हूँ आप मुझे बताएं इनडायरेक्ट लर्निंग वो होती है अगर बच्चे कई दफ़ा बहुत ज़्यादा गुमान बुरा करते हैं तो कई दफ़ा ना उनका इंटरनल इशू होता है सेल्फ इस्टीम उनकी लो होती है सेल्फ वर्थ लो होती है वो अपने आप को अच्छा नहीं समझ रहे होते और ज़रूरी नहीं है कि घर के इन्वायरमेंट में ही उनको ऐसी फीलिंग हो रही है हो सकता है स्कूल इन्वायरमेंट में फ्रेंड्स और पीयर्स के इन्वायरमेंट में उनको वर्थलेस फील करवाया जा रहा हो और वहां पर भी वो कही न कहीं ना कहीं कंप्लेन करते हैं, नजर आते हैं और घर में भी फिर कंप्लेन कर रहे हो तो आप उनकी ना सेल्फ वर्थ को थोड़ा एलिवेट करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी जो है मेरे माशाल्लाह चार बच्चे हैं दो बेटियां हैं दो बेटे हैं सो बड़ी बेटी जो है वो तेरह साल की है वो सबसे बड़ी है और बाकी तीन जो है वो छोटे हैं सो बड़ी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी और समटाइम्स पेरेंट्स के साथ भी अगर मैं कुछ बताती हूँ ना तो और हस्बैंड मेरे कहते हैं कि अगर वो कुछ गलत करती है ना तो तुम तो उसे मारा करो मैं नहीं मारती तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं ये तुम गलत कर रही हो ऐसे तो वो कभी भी नहीं इम्प्रूव होगी तो मुझे नहीं समझ आता कि मैं किस किस्म की सख्ती करूं थर्टीन इयर्स की वो है बेटी मेरी माशाल्लाह उसने बुबारा जूस जो है हिस्स भी कर चुकी है घर का माहौल भी बहुत अच्छा है बस ये कि बहुत ज़्यादा रूल हो जाती है और समटाइम्स वो ओबीडेंट भी भी नहीं रहती है ओबे नहीं करती है पेरेंट्स को सबसे बड़ी बात तो यह कि आपकी जो बड़ी बेटी है ना वो अडोलिसेंट थर्टीन की होगी है ना अब अडोलिसेंट एज ग्रुप में आ गई है तो बच्चे जो इस एज में आते हैं उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनके बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं विच इज़ नॉर्मल तो थोड़े से के लिए आपको ना इग्नोर करना पड़ता है उनके बिहेवियर्स को दूसरा ये कि उनको जनरली सोशल स्किल्स सिखाने होते हैं कि किस तरह किसी से बात की जाएगी कैसे मामला किए जाएंगे ये नहीं होता कि अगर वो छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छी तरह बात नहीं करे तो आप उन पर चीखना चलाना शुरू कर दें और उनके साथ सख्ती शुरू कर दें फिर ये कि हस्बैंड जो अक्सर इंटरफेयर करते हैं वो इस वजह से करते हैं जब आप उनके पास कंप्लेंट्स लेकर जाते हैं और आपको पता ही है ये एक जनरल फैक्ट है कि खुतिन हर वक्त पेरेंटिंग सीख रही हैं अब इस वक्त यहाँ पर हमारा जो ये सेशन होता है इसमें यूजली टू प्लस लोग होते हैं जब ज्वाइन हम जब सेशन शुरू करते हैं और ये सारी फ़ीमेल्स होती हैं जो आना चाहती हैं हार्डली uh, कोई कहीं कोई मेल होगा जो कि ये सुनेगा और वो सीखेगा कि पेरेंटिंग क्या क्या तरीके है इसीलिए आप देखें अक्सर अकात घरों में मर्द हजरात रहे होते हैं इसको लगाओ इसको मारो इसको डांटो और इसके साथ सख्ती करो और कुछ जो होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते वो बस वाइफ ही कहते हैं तुम हैंडल करो सारी सिचुएशन तो आप ना उनके पास ये कम्प्लेट ले जाने के बजाय स्पेशली जब आपको पता है कि वो मारपीट की आपको तरगीब करेंगे आप अपने बच्चे को ना सोशल स्किल्स सिखाएं जनरली सिखाएं ये नहीं कि जब सिचुएशन हो जाए वैसे बताएं कि अच्छा मसला हम शेयरिंग कैसे करते हैं मसलन अगर हमने कोई चीज़ नहीं देनी होती नहीं करना होता काम तो वो हम कैसे करते हैं और मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा मुश्किल मरला होता है मतलब मेरे अपने साथ होता है अगर बच्चे आपस में बहन भाई आपस में इरीटेटेड बात कर रहे होते हैं तो मेरे अंदर तूफ़ान चल रहे होते हैं कि या अल्लाह ये किस किस तरह बात कर रहे हैं ये कोई तरीका है ये तो मैंने इनको नहीं सिखाया और फिर मैं अपने आप को बताती हूँ कि अभी मुझे ख़ामोशी से सुनना है और फिर मुझे छोटे छोटे एक दो जुमले बोलने हैं उस वक्त और बाद में किसी और मौके पे किसी और तरीके से उनको एक जेनेरिक तरीके से बात बतानी है कि मसलन जब कोई रूड हो तो हम क्या करते हैं जब हमें हमारे साथ कोई इस तरह बात करे तो हमारा क्या रवैया होता है और फिर आपको पता है कि बच्चे जब उनको भी लगता है ना कि हम उनको फोकस करके उस वक्त नहीं सिखा रहे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाते हैं उनके अंदर वो स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं तो तेरह साल से लेकर उन्नीस साल तक की जो उम्र है ना इसमें आपने सोशल स्किल्स पे बहुत काम करना है कुछ रवैयों को आपने फॉरगो करना है कुछ रवैयों पे बच्चे से अलग से बात करनी है ये भी जब मैं पेरेंट्स को कहती हूँ अलग से बात करनी है वो कहती हैं मैंने तो अलग से बात की थी लेकिन अब्बा भी साथ बैठे हुए थे साथ एक दो बहन भाई भी बैठे हुए थे तो मैं कहती हूँ अलग तो नहीं था ये तीन लोग बैठे हुए थे ये पब्लिक बैठी हुई थी वो कहते हैं, पब्लिक नहीं ये तो बाप था और ये बहन थी और ये भाई था लेकिन बच्चा ह्यूमिलिएटेड फील करता है तो मेरा तो हमेशा से असूल है जो बात करनी है बिल्कुल तन्हाई में वन टू वन बात करनी है उस बच्चे से और किसी को नहीं पता चलने देना कि मैंने उस बच्चे से क्या बात की थी उससे बच्चे के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस आता है और मैंने यही देखा है कि जब भी फिर कोई क्राइसिस सिचुएशन होती है तो बच्चा ना आपको बुलवाता है आपसे बात करना चाहता है बिकॉज उसको ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर अपने पेरेंट्स से बात करूंगा तो ये ना सबके सामने ना जाकर मेरी बात को खोलेगा नहीं ये अपनी मेरी बात को समेट कर अपने तक रखेगा बारकल फीखुन और आज के सेशन में हमने बहुत कुछ सीखा बस कोशिश करनी है कि उसको अमल में लेकर आना है और डॉक्टर कवल मैं आपसे चाहूँगी कि एंड जैसा समराइज करना चाहें किसी भी जुमले पे जी मैं बस यही कहना चाहूँगी जो आज का टॉपिक हमने कवर किया है कि जो पेरेंटिंग करते हुए ना जो ख्वाहिशात हैं ना हमारी उसकी ग़ुलामी नहीं करनी बल्कि हमने क्या करना है कि अपने अंदर ऐसा सब्र लेकर आना है वो जो ख्वाहिशात हैं ना वो उसके ताबे हो जाएं और हम बच्चों को वो सक्सेस का क्राइटेरियन दें जो कि उनको आखरत की कामयाबी दे और आप देखें जब आखिरत की कामयाबी को हम फोकस करेंगे ना तो दुनिया की कामयाबी इन शाह वो अल्लाह ताला दे देता है क्योंकि जो दुनिया के पीछे भागता है तो वो फिर आखिरत उससे दूर होती जाती है हदीस के मुताबिक और जो फिर आखरत को अपने फोकस में रखता है उस कामयाबी पर जाता है तो ऐसा जो इंसान होता है ना अल्लाह ताला दुनिया को ख़ुद ब खुद उसके ताबे कर देता है